नमस्कार, मनी नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू शर्मा और आज के मनी ज्ञान में मैं आपको बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी क्या होते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी एक ऐसा तरीका होता है जिनमें निवेश एक निर्धारित रकम किसी म्यूचुअल फंड के एक प्लान से दूसरे प्लान में ट्रांसफर कर सकते हैं। आमतौर पर ये डेट फंड से इक्विटी फंड में होता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसी स्कीम लाती हैं जिसमें एक नियमित अंतराल पर एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर करने की इजाजत देती है। SIP में आपने देखा होगा कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने पैसा आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफर होता है, लेकिन एसटीपी में ऐसा नहीं होता। एसटीपी में होता यह है कि आपकी एक स्कीम से पैसा दूसरी स्कीम में ट्रांसफर हो जाता है। इसे ही सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी कहते हैं। जिस प्लान में यूनिट ट्रांसफर किए जाने होते हैं उसे सोर्स स्कीम कहते हैं और जिस स्कीम में यूनिट ट्रांसफर होने वाले होते हैं उसे टारगेट स्कीम कहा जाता है। एसटीपी को आप ऑनलाइन सेट कर सकते हैं। ये किसी ब्रोकर, एग्रीगेटर या फंड हाउस के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म से हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक आपको फॉर्म भरना होगा और सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी होल्डर्स के साइन इस पर लेने होंगे। इसके बाद AMC को भेजना होगा। इस फॉर्म में ये जानकारी देनी होगी कि सोर्स स्कीम का नाम क्या है, टारगेट स्कीम का क्या नाम है और कितनी राशि ट्रांसफर करनी है, किस अंतराल पर और कितनी बार ट्रांसफर करनी है। इस प्लान में सोर्स स्कीम से यूनिट का रिडीम्पशन होता है, इसलिए इसमें एग्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का फायदा यह होता है कि इससे निवेश लागत कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि ऊंची नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV पर कम यूनिट की खरीद होती है, जबकि लोअर NAV पर यूनिट की खरीद ज्यादा होती है। जानकार कहते हैं कि आपके निवेश पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी का बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड के एक प्लान से दूसरे प्लान में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एसटीपी से आप किसी डेट स्कीम से इक्विटी में और इक्विटी स्कीम से डेट में अपने निवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं।